द फियर ऑफ डेथ फॉलोज फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ. अ मैन हु लिव्स फुली इज प्रिपेयर्ड टू डाई एट एनी टाइम. दूसरा, क्या आप नहीं जानते हैं कि एक आदमी मरा नहीं है जब तक इसका नाम भूला जाता है. जैसे ही अपने लिए मरा जाए तो इसमें आखिर किसका सबसे बड़ा हाथ है. जैसे ही हमें कमांड दी जाती है, आया वो प्राइवेट तौर पर हो या गवर्नमेंट के तौर पर या इंडिपेंडेंट हो, कि यू सर्व्ड फॉर द हाई टेबल, तो क्या जो हमारी जिंदगी है उसकी कीमत बस ये है कि हमें कोई कहेगा तो हम कफन बांध के निकल पड़ेंगे? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं ठोका, जरूर ठोकें ताकि जो अपकमिंग सेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके. सेशन का आगाज करूं तो जैसा कि मैंने अपने पहले कोट में आपके साथ ये शेयर किया कि जैसे ही, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, एक जिंदगी को क्या चाहिए? एक जिंदगी आम तौर पर जरूरी ये समझती है कि उससे किससे बचना चाहिए. ये पुराना हो चुका है कि मौत से भागना चाहिए. अगर मॉडर्न दौर की बात की जाए तो इस नशावर जिंदगी, इस एडिक्शन के दौर में खुदकुशी आम हो चुकी है. मैं खुदकुशी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी टीम की जानिब से जो अवेयरनेस जगाई जा रही है, वो मोटिवेशनल कोट्स हों, मोटिवेशनल सेशंस हों, मोटिवेशनल लेक्चर्स हों, टू द पॉइंट अगर आपके साथ शेयर करूं तो जैसा कि मैं पहले कोट में आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जिंदगी किसको फॉलो करती है, मौत को फॉलो करती है. लेकिन जब जिंदगी को मजीद आगे दौड़ाया गया तो पता ये चला कि जिंदगी तो पूरी तरह से जीना चाहती है. लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिंदगी पूरी तरह से जीना चाहती हो? तो उसको जीने के लिए कौन सा ऐसा मकसद दिखाया जाए कि जिससे वो जीना शुरू कर दे? आसान अल्फाज में शेयर करूं कि आजकल पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, सियासत को अगर थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूं तो सियासतदान ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, ऐसी स्पीच, पार्लियामेंट हो या फिर अदालत हो या फिर सरेआम रोडों पर रोड ब्लॉक करके, कंटेनर लगा के, या फिर जिस तरह आसानी हो रोड ब्लॉक करके नाराबाजी, उसके अलावा साथ साथ जलूस, फिर तराने. माय डियर फ्रेंड्स, अल्फाजों के जरिए जो जिंदगी में एक मकसद को तराशा जा रहा है या एक मकसद को शेयर किया जा रहा है, कि यह सहाफत चैनल भी उन अल्फाज को, उन अल्फाज के चुनाव को और उस डिक्शनरी को लाजमी हाईलाइट करके आपके साथ शेयर करती. खैर, जिंदगी के मकसद को ज्यादातर अगर मैं आपके साथ मोस्टली केसेस में शेयर करूं कि ऐसा कौन सा लफ्ज है कि जिससे जिंदगी को मकसद मिलता है, तो वो मौत है.
बिल्कुल इसी तरह से आजकल गन पॉइंट पर राख के जो वारदातें होती हैं, यानी कि हम ये सुनते हैं, खबरें भरी पड़ी हैं, अखबार न्यूज़ चीख रही है, पुलिस स्टेशन थाने में सेक्टर रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं कि कोई नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, पैदल किसी न किसी तरह, किसी फरिश्ते की तरह, किसी शैतान की तरह आते हैं और गन पॉइंट पर 32 बोर 9mm या फिर डेजर्ट ईगल या जोन सी भी पिस्टल उनके पास है, उन्होंने रखी कनपट्टी पर और उसके बाद डिमांड की, जो है निकाल लो, जो निकालता है वो बच जाता है, जो नहीं निकालता वो जख्मी हो जाता है। खैर, मैं अपने सेशन की जानिब आऊं तो बिल्कुल ये जो मौत को या मौत के वक्त को या जो मौत के सफर को या मौत के लम्हात के साथ जो खेला जा रहा है, जो खिलवाड़ हम देख रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए तो पंजाब पुलिस, मुझे यकीन है कि अपना अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल आखिरी थोड़ा सा मजीद आपके साथ आगे बढ़ूं और दूसरे कोट को शेयर करूं जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया दूसरे कोट में, कि क्या आप जानते हैं कि एक शख्स जिसे अपनी जिंदगी में ये मालूम नहीं है कि जैसे ही जिंदगी आगे बढ़ रही है और जिंदगी के साथ साथ जिंदगी का वक्त और जिंदगी के मकसद बढ़ रहे हैं, तो इस जिंदगी में वो शख्स जो मौत के साथ खेल रहा है या मौत के साथ चैलेंज ले रहा है या मौत को अपनी जिंदगी में मौत के साथ यानी कि उसका सौदा हुआ हुआ है, तो वो अपनी जिंदगी में किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है या कौन सी स्पीड उसने इख्तियार किया, वो बहुत सिंपल है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज का सेशन था कि अपने लिए मर जाना, ये दर हकीकत क्या है कि अपने लिए मर जाना, ये बहुत सिंपल है कि जैसे ही हम अपनी जिंदगी में गौर व फिक्र करते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी मौत को याद करते हैं, मौत के लम्हात को याद करते हैं, तो मालूम ये चलता है कि जिंदगी महज एक धोखा है, महज चंद लम्हों का या चंद दिनों का या चंद रंगीन घड़ियां हैं, जबकि जो मौत है, जो आखरत है, वो कायम दायम रहने वाली एक जिंदगी है। तो यकीनन जब हम इस रास को जानते हैं तो हमारी ज़िंदगी पहले से थोड़ी सी बेहतर हालात की तरफ जाती है और हम जो हालात, जो सानहात, जो वाकयात खबरों में और टीवी में पढ़ रहे हैं कि आए दिन पुलिस एनकाउंटर में कोई बंदा मारा गया, को पता ही नहीं चला, कुत्ते की मौत हुई, तो इस वाकयात से, इन हालात से हम बच सकते हैं। इसी तरह से मेरे सेशन का होता है अख्ताम। अपना आप सब हौसला ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।